साइड से ले जाओ तो रिस्क, और बीच में तो स्पेस ही नहीं है। ये देखिए खतरनाक वाली लैंडस्लाइड हुई है। मॉर्निंग फ्रॉम सोनमर्ग। आज हमारी लद्दाख राइड का फोर्थ डे और हम रुके हैं सोनमर्ग में। आपने लास्ट ब्लॉग में देख ही लिया होगा और यहाँ के देखिए पीछे के नज़ारे पीछे, और ये होटल है वाजवान जो रात में मैंने दिखाया तो था बट व्यू क्लियर नहीं आया। और यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। बट इससे भी खूबसूरत जो व्यू है वो मैं आपको दिखाने के लिए ले चलता हूँ। आगे चलते हैं और आगे चल के आपको नज़ारे दिखाते हैं। और आज से शुरू होने वाला है असली गेम लद्दाख राइड का। बट ये व्यू देखो, ये पीछे मेरे चिनाब रिवर, पीछे के ये नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। ये चिनाब रिवर जा रही है पाकिस्तान। वाह क्या ब्यूटी है यार, क्या ब्यूटी है, मज़ा आ गया। बट आज का दिन बहुत टफ होने वाला है, बहुत लेंदी होने वाला है। एज पर गूगल मैप 8.5 से 9 घंटे दिखाने वाला है। 2 से 2.5 घंटे के एक्स्ट्रा ब्रेक भी रहेंगे क्योंकि हमें जाना है कारगिल वार म्यूजियम, मैग्नेटिक हिल होते हुए फिर हम जाएंगे ले। इंटरकॉम कनेक्टेड कर लो, चलो बाय बाय। तो फाइनली अब यहाँ से निकलते हैं, निकलने का हो गया टाइम। टाइम हो रहा है 10:42, बाइक चल चुकी 9:45। चलो बाय बाय। सो अब हम लोग यहाँ से निकलना है। हम लोग इधर डिनर करने गए थे। ले है यहाँ से 3:45, कारगिल है 119, द्रास है 62। सो हम यहाँ से सबसे पहले जाएंगे 0 पॉइंट, जहाँ पे स्नो फॉल के बारे में सुना है। अब हुआ क्या है वो नहीं पता, देखते हैं। बट मंजिल से ज्यादा इन नज़ारों में मजा है। सो इससे पहले आपने ड्रोन शॉट में भी देखा होगा, बहुत ही खूबसूरत रिवर लग रही थी। ये पूरा एरिया बहुत ही एरियल व्यू बहुत खूबसूरत आ रहा था। सो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि ये जो पूरा एरिया है बेसिकली जो सोनमर्ग है टूरिस्ट प्लेस ही है ये। यहाँ पर बहुत ज्यादा घर नहीं है। लोग क्या होता है जैसे ही स्नोफॉल शुरू होता है तो 4 महीने ये पूरा एरिया बंद होता है। फिर मार्च के बाद से यहाँ पे टूरिस्ट का आना चालू होता है। ये पूरी रोड इंडियन आर्मी ओपन कर देती है, धीरे धीरे लोग आ जाते हैं। यहाँ पे शॉप है लोकल, यहाँ कश्मीरी चीजें मिल जाएंगी। और यहाँ पे कल हमने खाना खाया था एक होटल में, बहुत ही गंदा खाना था। आप लोग कभी भी आते हैं तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, शायद अभी दिखता है, बानी करके था रेस्टोरेंट, बहुत ही गंदा खाना था। बानी 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 ये रहा बानी होटल एंड रेस्टोरेंट, ये बहुत गंदा खाना यहाँ पर मिला था। क्या बात है, क्या व्यू है। और चिनाब अब इधर से इधर जा रही है। अभी मोहसिन भाई बता रहे थे कि आगे भी अब रोड बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई है। हमने उनसे पेट्रोल के लिए भी पूछा था कि पेट्रोल पंप हमको कहाँ पे मिल जाएगा। सो उन्होंने बताया है कि इस रूट पे आगे द्रास पे भी मिल जाएगा, जो कि पहले वहाँ पे नहीं था, लास्ट 1-2 ईयर्स में ही खुला है। उसके बाद आपको कारगिल में बहुत सारे पेट्रोल पंप मिल जाएंगे। और कल मैं और कैब भाई अलग हो गए थे तो आज हमने प्लान किया थोड़ी देर में हम लोग इंटरकॉम से कनेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उसके बाद क्या है कि जर्नी का भी पता नहीं चलता है, बात करते करते निकल जाते हैं। क्या बात है, ये इसी के लिए तो आए थे, इसी खूबसूरती को देखने के लिए, इन नज़ारों को देखने के लिए तो आए थे। और आज का जो ट्रिप है रियल एडवेंचर आज ही होने वाला है, क्योंकि अब हम यहाँ से 0 पॉइंट जो जिला पास, एक फेमस पास है वो भी हाईएस्ट मोटरेबल पासेस में से है, बट हाईएस्ट नहीं है क्योंकि हाईएस्ट है खारदुंगला पास। क्या बात है, ये सामने की व्यू देखो। और अभी यहाँ पे मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है और थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे धूप निकल आ गया, एक्चुअली क्या मॉर्निंग में टाइम लैप्स भी ले रहा था बट टाइम लैप्स आए नहीं क्योंकि जो क्लाउड्स हैं वो उतने मूविंग नहीं है। इसू जी बहुत अच्छी लगती है गाड़ी, थोड़ी मतलब हैवी लगती है, मॉन्स्टर ट्रक टाइप की। लुक वाइज साइड व्यू सब कुछ बहुत अच्छा है। अप्रॉक्स 3 से 3.5 किलोमीटर बचा हुआ है 0 पॉइंट, वहाँ पर रुकेंगे शायद थोड़ी देर के लिए, कुछ पिक्चर्स क्लिक करेंगे इंस्टाग्राम के लिए। बाय बाय।
और पानी का फ्लो मतलब आई थिंक आपको शायद नहीं दिख रहा होगा बट यहाँ पर देखने में समझ में आ रहा ठीक ठाक स्पीड में है पानी का फ्लो। बहुत खूबसूरत नजारे हैं और ये देखिए एक रोड यहाँ पे भी बन रही है। कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छा चल रहा है जोजिला टनल प्रोजेक्ट। ओके सो आई थिंक वो जो इधर चल रहा है जोजिला टनल प्रोजेक्ट है वहाँ पे एक पीछे साइन बोर्ड लगा हुआ था। ये देखिए ये दो आपको वाटरफॉल मिल जाएंगे यहाँ पे छोटे छोटे है पानी आ रहा ऊपर कहीं पे स्नोफॉल जो होता है उसके बाद धीरे धीरे स्नो मेल्ट होती है और वही मेल्ट होते हुए आप देखेंगे यहाँ वाटर नहीं आ रहा है लेकिन जब थोड़ी और ज्यादा स्नो होगी तो इन सब जगह से पानी आ जाता। पहले तो बर्फ ही हो जाती धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाती है। यहाँ का व्यू देखिए बहुत ही खूबसूरत है। बढ़िया डिफेंस लैंड वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ था डिफेंस लैंड का। आज से कई साल पहले बहुत लिमिटेड एक्सेस था धीरे धीरे टूरिस्ट आना चालू हुए धीरे धीरे चीजें और ज्यादा खुलनी चालू हो गई टूरिस्ट के लिए इंफ्रा डेवलप हुआ अब ये रोडें भी बहुत अच्छी हो गई हैं। मैंने ठीक ठाक पहाड़ों पे राइड कर ली है इससे पहले सचपास किया था और भी कई जगह पे राइड की हुई है लेकिन इस तरह का व्यू मैंने कभी नहीं देखा था। सामने माउंटेन जिसपे स्नोफॉल हो रखा है एक तरफ आपको पहाड़ ऐसे मिलेंगे जहाँ से लैंडस्लाइड भी होती रहती है और दूसरी तरफ आपको पहाड़ ऐसे मिलेंगे जो पूरी तरह से ग्रीन है और नीचे बगल में चल रही है हम लोगों के खाई और इस समय मौसम हमारा पूरा साथ दे रहा है। रोड कुछ गीली है दोनों तरफ पानी पड़ा हुआ है लग रहा है कि शायद बारिश भी हल्की फुल्की हुई होगी बट बहुत खूबसूरत नजारे। और ये जो ऊपर आप पहाड़ देख रहे होंगे ये पहाड़ क्या है पत्थर वाले पहाड़ है और ये नीचे ग्रीन पहाड़ है। आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम लोगों को पत्थर वाले पहाड़ और जो येलो मिट्टी वाले धूल वाले पहाड़ होते हैं वो मिलने चालू हो जाएंगे द्रास के बाद। सो द्रास यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं है जोजिला क्रॉस करते ही हम लोगों को द्रास मिलेगा उसके बाद ये नजारे आपको देखने को नहीं मिलेंगे हमारी राइड में फिर ये मिलेंगे जब हम लेह से मनाली जाएंगे अपने सेकंड लास्ट डे। यस ब्रो सोनमर्ग यार मेरा मतलब दिल जीत लिया। देखो हम कहीं भी जाते हैं आपको याद है हम लोग सचपास गए थे तो चंबा बहुत खूबसूरत लगा था ठीक है लेकिन जब कश्मीर में घुसे हैं ना यहाँ के नजारे अलग है भाई। और जो सोनमर्ग की अब हम बात करें तो चिनाब रिवर ने उसकी खूबसूरती को ना नेक्स्ट लेवल पे लगा दिया है। सर्किट तो पूरा भी किया नहीं हूँ ठीक है तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि मुझे कहाँ क्या पसंद आता है बट अगर मैं अब तक की जर्नी का बोलूं तो मुझे सोनमर्ग बेस्ट लगा। अरे 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 बड़ा स्लिपरी है भाई बड़ा अभी पीछे तो बहुत ज्यादा स्लिपरी था। जब मिट्टी पड़ी होती है ना रोड पे तब ज्यादा दिक्कत होती है अगर मिट्टी नहीं है तब प्रॉब्लम नहीं होती है। जोजिला टाइगर शिव मंदिर पे जोजिला कितनी दूर है पियो माउंटेन्स पे पानी तो मैंने भी सुबह से काफी पी लिया है। तो अभी हम लोग चल रहे हैं जोजिला में यहाँ से आने के बाद बीच में थोड़ा सा टफ रोड था और उसके बाद अभी हम ऊपर जाएंगे जोजिला पास जहाँ पे मेन बोर्ड और वो सब लगा हुआ है जोजिला पास जाएंगे। रास्ते में हमको ये भाई लोग मिल गए सो ये है कश्मीर से कहाँ पे कहाँ से आप बारामुल्ला अब्दुल दाइम अच्छा लगा यार आपसे मिलके चलो ओके भाई पीछे रुके हुए कैब भाई एक्चुअली क्या था मेरी बैटरी ड्रेन हो गई थी सो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे रोक दी। यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है पहाड़ों के गिरने जैसा एकदम नॉर्मल है देख के रोकी थी पीछे कैब भाई ने रोकी है वो वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे मैं यहाँ पे बैटरी चेंज की और अब यहाँ से निकलते हैं थोड़ा ऊपर पहुंचेंगे जोजिला पास पे चार्जिंग हमने लगा दी टेंशन फ्री रहो। हाँ लेकिन अब क्या है जल्दी ओ भाई शूज की कंडीशन देखो ग्लास का तो नहीं पता बट आज एडवेंचर होने वाला है ये पता है आज खेला हो वे वो दोनों कहाँ निकल गए कोलकाता वाले दोनों। यार ऊपर का नजारा देखो बहुत खूबसूरत लग रहा है ये वही पहाड़ी है मुझे लग रहा है दूर से दिख रही थी। सो भाई यहाँ के व्यू देख लो और यहाँ पे ऊपर देखेंगे आप पीक पे माउंटेन पीक पे आपको स्नो दिख जाएगी फ्रेश स्नो है। अब यहाँ से अपन निकलते हैं कुछ फोटोज क्लिक कराई है ये देखिए
खतरनाक वाली लैंडस्लाइड हुई है। कभी कोई गाड़ी या कुछ भी इसके नीचे रहा होगा ना, ये पत्थर देखिए क्रैक हो रखे हैं। क्या कह रहे हैं? सो निकल रहे हैं, भाई ने एक भाई ने रोका था पिक्चर के लिए, सो हमने उनकी पिक्चर क्लिक कर दी। ओ वाह, ये जोजिला पास भी एक डेंजरस पास है। आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि जोजिला पास डेंजरस क्यों है। सबसे ज्यादा इशू है लैंडस्लाइड और यहाँ से पत्थर गिरने का। पीछे आपने देखा होगा कितना खतरनाक पत्थर पड़ा था। ओए होए, खतरनाक। साइड से ले जाओ तो रिस्क, और बीच में तो स्पेस ही नहीं है। ये ज्यादा रिस्की होता है, यहाँ पे बाइक स्लिप होने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। हम लोग थोड़ा सा चल पाते हैं और व्यू ऐसे आ जाते हैं, समझ में नहीं आता कितनी बार रुकें। कंटिन्यू अभी एक सामने जा रहे हैं जो वो लोग थर्ड पर्सन, वो कह रहे हैं मैं फोटोग्राफर हूँ, उन्होंने फोटो क्लिक करी है कुछ। तो फाइनली हम हैं जीरो पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या क्या है वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। हाँ जी, तो फाइनली अब हम लोग आ गए जोजिला पास जीरो पॉइंट पे। एल्टीट्यूड 11,649 फीट। वाटर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सैल्यूट टू बीआरओ। और व्यू बहुत खूबसूरत है। आई डोंट नो कि कैमरा इस चीज को जस्टिफाई कर पाएगा कि नहीं। ये जो बादल है ना, स्नो का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू आ रहा है। हाँ जी, क्या हाल चाल है, कहाँ से हो आप? कश्मीर। बहुत खूबसूरत वादियाँ है कश्मीर की। क्या नाम है आपका? गुलजार भाई। बहुत बहुत बढ़िया। चलो तो फिलहाल कुछ फोटोज क्लिक कराते हैं। चाय वाय पियेंगे भाई? ऑर्डर कर दी है, चाय कर दी। तो फिलहाल मेरे पीछे आप देख रहे होंगे जोजिला पास जीरो पॉइंट। सोनमर्ग से चलने के बाद थोड़ी सी रोड खराब थी, पत्थर थे, कहीं पे पानी था, कहीं पे लैंडस्लाइड का डर था, बट फिलहाल हम हैं जोजिला पास जीरो पॉइंट पे। बहुत ही खूबसूरत व्यू है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारे, मज़ा आ गया। ये अंकल हमारे साथ होटल बाजवान में ही रुके थे, हम लोग ने देखा था शाम को भी। क्या नाम है अंकल? कमल। कमल कहाँ से हैं? दिल्ली। दिल्ली से? दिल्ली में कहाँ से? राजनगर। ठीक है अंकल, अच्छा लगा आपसे मिलकर। मैगी ऑर्डर कर दी है, चाय ऑर्डर कर दी है, थोड़ी देर रुकते हैं, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं। यहाँ पे अभी यहाँ पर बूंदें गिरनी चालू हो गई हैं, तो जो एडवेंचर हमारा इस लेवल पे होने वाला था वो अब नेक्स्ट लेवल पे पहुँचने वाला है। चलो चलते हैं।